तो आज हम आगे इसमें स्टार्ट करेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का पार्ट 11, जिसमें हम बात करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन द पैरामीट्रिक फॉर्म। तो पहले आपको बताते हैं कि पैरामीट्रिक फॉर्म के फंक्शंस होते किस तरीके से हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, समटाइम द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज नाइदर एक्सप्लिसिट नॉर इम्प्लिसिट, बट सम लिंक ऑफ ए थर्ड वेरिएबल विद ईच ऑफ द टू वेरिएबल्स सेपरेटली एस्टैब्लिशेस ए रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट टू वेरिएबल्स। तो कह रहे हैं कि कई बार जब दो वेरिएबल जो होते हैं वो ना तो कोई एक्सप्लिसिट फंक्शन या इम्प्लिसिट फंक्शंस की वजह से आपस में रिलेटेड होते हैं, बल्कि होता क्या किसी वो थर्ड वेरिएबल से वो आपस में लिंक करते हैं और वो थर्ड वेरिएबल की हेल्प से आपस में रिलेटेड होते हैं। इन सच ए सिचुएशन वी से डैट रिलेशन बिटवीन दैम इज एक्सप्रेस्ड वियर थर्ड वेरिएबल। तो इस कंडीशन में जो वो दोनों वेरिएबल्स होते हैं वो किसी थर्ड वेरिएबल की हेल्प से आपस में रिलेटेड होते हैं। द थर्ड वेरिएबल इज़ कॉल्ड द पैरामीटर, और वो जो थर्ड वेरिएबल होगा जो उनको आपस में लिंक करेगा उसको पैरामीटर बोला जाता है। तो मोर प्रिसाइसली ये रिलेशन एक्सप्रेस बिटवीन द टू वेरिएबल सेक्शन वाई इन द फॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू एफ टी वाई इक्वल टू जी टी इज सेड टू बी द पैरामीट्रिक फॉर्म विद द टी एज द पैरामीटर। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया कि अगर कोई फंक्शन आपको गिवन उस तरीके से एक्स इक्वल टू एफ टी वाई इक्वल टू जी टी, जिसमें फंक्शन में एक्स और वाई वेरिएबल कुछ आपके टी के टर्म्स में यहाँ पे जैसे गिवन है, तो यहाँ पर ये जो टी होगा वो एक पैरामीटर होगा और इस तरीके का ये जो फंक्शन होगा इसी फंक्शन को बोला जाता है फंक्शन इन द पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो जब भी कोई दो वेरिएबल आपस में डायरेक्टली रिलेट नहीं होके, चाहे वो एक्सप्लिसिट फॉर्म हो या इम्प्लिसिट फॉर्म हो, इस तरीके से आपस में रिलेटेड ना होकर किसी थर्ड वेरिएबल के जरिए वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं, तो उस थर्ड वेरिएबल को बोला जाता है पैरामीटर, और साथ ही साथ इस तरीके के फंक्शन को बोला जाता है पैरामीट्रिक फॉर्म। तो हम आगे जो डिस्कस करेंगे वो हम ये डिस्कस करेंगे, जब भी कोई फंक्शन पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन होगा तो उसका डेरिवेटिव हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स इफ एक्स इक्वल टू ए कॉस टी और वाई इक्वल टू ए साइन टी। तो ये फंक्शन आप देख सकते हैं, इसमें एक्स और वाई वेरिएबल जो है वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बल्कि एक थर्ड वेरिएबल जो है टी वो इनको आपस में लिंक कर रहा है। तो इसलिए ये जो फंक्शन आपका इस तरीके से होगा इसे बोला जाएगा फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इस तरीके के फंक्शन को डिफरेंशिएट किस तरीके से किया जाता है। तो क्या करना होगा हमें, क्योंकि एक्स और वाई जो दोनों टर्म्स हैं या दोनों फंक्शंस हैं वो टी पैरामीटर के फॉर्म में है, तो हम इन दोनों को अलग अलग टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। पहले हम x इक्वल टू ए कॉस टी को डिफरेंशिएट करते हैं टी के रेस्पेक्ट में, तो यह आ जाएगा डी एक्स ओवर डी टी इक्वल टू ए कॉस टी का डेरिवेटिव होता है माइनस के साइन टी, तो डी एक्स ओवर डी टी आ जाएगा माइनस ए साइन टी। इसी तरीके से y इक्वल टू ए साइन टी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी, तो यह आ जाएगा डी वाई ओवर डी टी इक्वल टू ए इन टू कॉस टी, या डी वाई ओवर डी टी इक्वल टू आ जाएगा ए कॉस टी। अब हमें इन दोनों कंडीशंस की हेल्प से जो फर्स्ट और सेकेंड यानी डी एक्स ओवर डी टी और डी वाई ओवर डी टी जो हमने ऑब्टेन करी है, इनकी हेल्प से हमें डी वाई और डी एक्स को फाइंड आउट करना है। तो हम करेंगे क्या, इसमें हम इसमें सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो डी एक्स ओवर डी टी और डी वाई ओवर डी टी से अगर आपको डी वाई पॉइंट एक्स को फाइंड आउट करना है, तो ऐसा करने के लिए हम सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं। तो डैट्स वाई हम एल एच एस को एल एच एस से और आर एच एस को आर एच एस से डिवाइड कर देते हैं। तो डी वाई पॉइंट डी टी को डी एक्स अपॉइंट डी टी से और ऐसे आर एच एस में ए कॉस टी को माइनस के साइन टी से। तो जब हम डी वाई ओवर डी टी को डी एक्स ओवर डी टी से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और अगर आर एच एस में सॉल्व करके आ जाएगा ए से ही कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस के कॉट टी, और यही हमारा इस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। एक और एग्जांपल देखिएगा, एक बार पहले रिपीट कर दूँ, तो जब भी कोई फंक्शन पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन हो तो उसमें होगा कि एक्स और वाई वेरिएबल दोनों आपस में डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होंगे, वो किसी थर्ड वेरिएबल के टर्म्स में दिए जाएंगे। तो हम करेंगे ये कि एक्स और वाई को उस थर्ड वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे सेपरेटली, पहले एक्स का डिफरेंशिएशन, फिर वाई का डिफरेंशिएशन, फिर वाई का जो भी डेरिवेटिव आएगा उसको एक्स के डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे, जिसकी हेल्प से हम डी वाई अपॉन एक्स को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए इसको अच्छे से समझने के लिए, तो यहाँ पर एक फंक्शन गिवन है जो है एक्स इक्वल टू ए ब्रैकेट में थीटा प्लस साइन थीटा के फॉर्म में, और वाई इक्वल टू है ए ब्रैकेट में वन माइनस कॉस थीटा के फॉर्म में, और इनकी हेल्प से हमें डी वाई अपॉन एक्स को फाइंड आउट करना है। तो जैसा भी हमने एग्जांपल वन डिस्कस किया था बिल्कुल वैसे ही हम इसको भी करेंगे। तो उसमें हम पहले एक्स वाली टर्म को डिफरेंशिएट कर देते हैं, यहाँ पे जो पैरामीटर है वो थीटा है, क्योंकि दोनों वेरिएबल जो एक्स वाई वो थीटा के साथ रिलेटेड है, तो इसलिए हम इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एक्स वाली टर्म को भी और वाई वाली टर्म को भी। अब एक्स इक्वल टू ए ब्रैकेट में थीटा प्लस साइन थीटा है, इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक्स का डेरिवेटिव होगा डी एक्स ओवर डी थीटा, ए यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा, थीटा का डेरिवेटिव वन और साइन थीटा का होगा कॉस थीटा, तो dx ओवर dt आ जाएगा a ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा।
इसी तरीके से हम वाई के टर्म का डेरिवेटिव करते हैं, तो यहाँ जाएगा डी वाई और डी थीटा इक्वल टू ए, एज इट इज आएगा वहाँ पर वन का डेरिवेटिव जीरो माइनस कॉस थीटा का, क्योंकि कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस के साइन थीटा, लेकिन माइनस साइन वहाँ पर ऑलरेडी था तो हो जाएगा प्लस के साइन थीटा। ठीक है, तो डी एक्स और डी थीटा और डी वाई और डी थीटा हमने ऑप्टेन किए। अब हमें क्योंकि डी वाई और डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो हम इसमें सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं। तो जब डिवाइड करेंगे एल एच एस को एल एच एस से, आर एच एस को आर एच एस से, तो डी वाई ओवर डी थीटा को डिवाइड करा जाएगा डी एक्स ओवर डी थीटा से। ऐसी आर एच एस में ए साइन थीटा को हम डिवाइड करेंगे ए ब्रैकेट में वन प्लस कॉस थीटा से, तो एल एच एस सॉल्व करके आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और आर एच एस आएगा सॉल्व करके साइन थीटा अपॉन में वन प्लस कॉस थीटा। ठीक है, हालांकि सॉल्यूशन हमारे यहाँ पर आ गया, लेकिन अगर आप फिर भी आंसर को सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसमें हम हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ कर देते हैं। तो साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला होगा टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, और कॉस थीटा के प्लेस पर टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन, तो वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद हम कॉस थीटा बाई टू से कॉस थीटा बाई टू को कैंसिल कर देते हैं, टू से टू को कैंसिल कर देते हैं, तो सॉल्यूशन बन जाएगा हमारा टैन थीटा बाई टू। तो इस तरीके से जब भी कोई फंक्शन पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन हो तो हम इसके डेरिवेटिव को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतने काफ़ी हैं। तो इनके बेसिस पर जो एक्सरसाइज है 5.6 उनको आप करके देखिएगा, उनमें अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है, दिक्कत आती है, तो आप पूछिएगा। ठीक है। Thank you.